राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद मामले पर मध्यस्थता कमेटी के गठन के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मध्यस्थता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। अयोध्या मामले पर 3 सदस्य मध्यस्थता कमेटी बनाई गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस FMI कलीफुल्ला, वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर शामिल है। कमेटी की ओर से मध्यस्थता प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और समय मांगा गया। इसके बाद कोर्ट ने मामले की मध्यस्थता का समय 15 अगस्त तक बढ़ा दिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, हम मामले में मध्यस्थता कहां तक पहुंची, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते, इसको गोपनीय रहने दिया जाए। अभी समझौते की प्रक्रिया जारी है। हम रिटायर्ड जस्टिस कलीफुल्ला की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में सकारात्मक विकास की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन कमेटी को 15 अगस्त तक का टाइम दिया है मीडिएशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, कुछ कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिएशन कमेटी की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई है उसमें क्या बातें उभर के आई वो पार्टीज को नहीं बता सकते हैं, पर जब मीडिएशन कमेटी पॉजिटिव है, फ्रूटफुल है कि मीडिएशन प्रोसेस हो सकता है, तो वो मीडिएशन प्रोसेस नहीं रोकेंगे और 15 अगस्त तक का टाइम दिया मीडिएशन कमेटी को अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो इंट्रीम जो मेडिएटर्स कमेटी है उन्होंने अपनी एक इंट्रीम रिपोर्ट सौंपी है, उस इंट्रीम रिपोर्ट में उन्होंने 15 अगस्त तक का समय मांगा है तब वो फाइनल रिपोर्ट देंगे। माननीय न्यायालय ने कहा है कि देर आर समथिंग पॉजिटिव, तो ऐसा उम्मीद होना चाहिए कि जो मीडिएटर्स की फाइनल रिपोर्ट आएगी वो अच्छी होगी। अयोध्या मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच कर रही है, जिसमें जस्टिस एस ए बोबड़े, DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर भी शामिल हैं। इससे पहले 8 मार्च को अयोध्या मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की इजाजत दी थी। मध्यस्थों की कमेटी में जस्टिस खलीफुल्ला, वकील श्री राम पंचू और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर शामिल हैं। इस कमेटी को 8 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा था कि मध्यस्थता पर कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की प्रक्रिया को फैजाबाद में करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मध्यस्थता प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के 30 सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन का बंटवारा कर दिया था। इस जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें से एक हिस्सा हिंदू महासभा को दिया गया था जिसमें राम मंदिर बनना था, दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया था, वहीं विवादित स्थल का तीसरा निर्मोही अखाड़े को दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट।